हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर सब कुछ एकदम जाहिर नहीं करता। जिस तरह एक शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 के 7 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीषित करने की, ऊंचा करने की एक योजना को रखता है, लेकिन वह योजना आपके जीवन में एकदम से पूरी नहीं होती। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके विश्वास को परखते हैं, क्योंकि बिना विश्वास और परख के आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में दाऊद के बड़े भाइयों के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि अगर उनको पता होता कि उनको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुनना है तो क्या वह पाप करते? अगर उनको पहले ही पता होता तो वह कभी पाप ना करते, बल्कि पवित्रता में रहते। इसलिए जब शमूएल नबी एलियाब को मजाक करने लगा तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उसके कद और रूप की तरफ ना देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए अयोग्य जाना क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके बाहरी रूप पर नहीं बल्कि आपके मन पर होती है, और परमेश्वर उन्हें पहले ही परख चुके थे। अगर दाऊद के बड़े भाइयों को पहले ही पता होता तो विश्वास की कोई भी जगह नहीं रह जाती। इसी प्रकार आज परमेश्वर कुछ बातों को आप पर पहले ही जाहिर नहीं करता, आपको कुछ मुश्किलों में से होकर गुजरने देता है ताकि आपका विश्वास परखा जा सके। दाऊद को भी एकदम से इज़राइल का राजा नहीं बनाया गया, परमेश्वर ने उसको बहुत सालों तक परखा, और जब वह उस परख में खरा उतरा फिर परमेश्वर ने अपनी उस योजना को उसकी ज़िंदगी में पूरा किया। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर एकदम से सब कुछ आपके जीवन में जाहिर नहीं करेगा। उसके लिए आपको धीरज धरना होगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके लिए परमेश्वर के दास ने कोई भविष्यवाणी कर ली तो वे चाहते हैं कि वह उसी वक्त पूरी हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी आशीष में समय लगेगा, आपकी चंगाई में समय लगेगा, क्योंकि परमेश्वर बिना परखे आपको कभी आशीषित नहीं करता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आशीष अपने ऊंचा होने की पदवी तक पहुंचें तो अपनी परख में खरे उतरें। अगर परमेश्वर आपको कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा तो पाप में ना जाएं, अपनी पवित्रता को बनाकर रखें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूँगा और परख में खरा उतर कर आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा आशीषित करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।